झांसी के नए एसएसपी बने राजेश एस, उन्होंने आज पत्रकारों से की बातचीत। बातचीत कर एसएसपी राजेश ने बताया कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध पर रोक लगाना मेरी प्राथमिकता होगी, अपराध पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास करेंगे, साथ ही मुकदमों का जल्द से जल्द निस्तारण कराकर उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि माफियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और माफियों को चिन्हित कर उन पर शिकंजा कसा जाएगा। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कुर्की की कार्रवाई भी तेजी में लाई जाएगी, जबकि बताया गया है कि करीब 121 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि एसएसपी पहले झांसी के टहरौली में सीओ पद पर रह चुके हैं। संवाददाता जगदीश के साथ मनीष नायक की रिपोर्ट।